नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मौसम चेंज होने के कारण अगर पेशेंट को सर्दी खांसी जुकाम बुखार है तो उसमें कौन सी मेडिसिन दिया जाता है और उसको कैसे जल्द से जल्द कंट्रोल कर लिया जाता है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञानपुर मेडिकल अल्ट्रा। तो अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब भी मैं कोई डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सके। दोस्तों आइए हम जानते हैं कि अगर किसी पेशेंट को सर्दी खांसी बुखार जुकाम हो तो उसमें कौन सी मेडिसिन दिया जाता है। तो सबसे पहले पेशेंट को टैबलेट जीरोडॉल पी दिया जाता है। सुबह शाम खाने के बाद एक एक टैबलेट दिया जाता है। अगर इन्फेक्शन की वजह से सर्दी खांसी जुकाम हो तो आप उसको मॉक्स 500 सुबह शाम खाने के लिए बोल सकते हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट में ज़्यादा सर्दी हो तो उसे कंट्रोल करने के लिए लीवर सिट्रिजिन टैबलेट दिया जाता है। इसके साथ साथ ही अगर पेशेंट को खांसी हो तो खांसी को कंट्रोल करने के लिए ग्रिलिनटक्स सिरप दिया जाता है। इसके बाद अगर पेशेंट को कंट्रोल ना हो तो उसे मोनोसेफ 1 ग्राम सुबह शाम दिया जाना चाहिए। अब बारी है कि पेशेंट में जो कमज़ोरी महसूस होती है तो कमज़ोरी को दूर करने के लिए उसको A to Z सिरप का इस्तेमाल करने के लिए बोल सकते हैं या आप प्रोटीन एक्स पाउडर होता है उसको दूध के साथ लेने के लिए बोल सकते हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट में काफ़ी कमज़ोरी महसूस होती है तो उसे कंट्रोल करने के लिए ORS के जो पाउडर होता है उसको भी पीने के लिए आप उसको बोल सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब भी मैं एक वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सके। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।